तो चलिए आज मैं आपके लिए लाती हूँ एकदम इंस्टेंट वाला डोसे की रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट ही बनेगा। बिल्कुल भी तवे पर चिपकने वाला नहीं है और खाने में एकदम क्रिस्पी करारा, जिसके लिए बिना भी आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, तुरंत तुरंत 5 मिनट के अंदर ही डोसा तैयार। तो इसके लिए हम बनाने वाले हैं आज चिली गार्लिक वाला डोसा, जिसके लिए मैंने गार्लिक को कूट लिया है। बस अब आपको क्या करना है, मिक्सी के जार में 1 कप सूजी, आधा कप पोहा और 2 चम्मच दही डाल करके थोड़ा सा नमक डालें और इन सबको ना एक साथ बस पीस लेना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना। और इस मिक्सचर को हम एक बड़े से बोल में निकाल लेंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बैटर थोड़ा थिक लगे तो पानी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस तवा मैंने रख दिया है, हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे और यहाँ पर मैं बैटर को फैला लूंगी। तो आपको छोटा डोसा बनाना है या फिर बड़ा, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन ये बैटर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और खाने में इतना टेस्टी लगेगा ना, ऊपर से क्रंची, तो क्या ही बताऊं। बस इसको फैला दें, ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा दें और फिर ऊपर से हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे, थोड़ा मसाला लगाएंगे, जैसे कि मैंने डाला है लहसुन, साथ ही मैंने चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो और डाल दिया है धनिया पत्ती का फ्लेवर, साथ ही चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक और चीज़ तो खूब भर भर कर डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको गार्लिक नहीं बनाना तो आप आलू का मिक्स मटेरियल लगा सकते हैं और आलू की स्टफिंग भर सकते हैं। बस इसे गर्मा गर्म कट करके सर्व कर लेते हैं और ये तो एकदम अमेजिंग है।